वन पर्यावरण एवं जंतु उद्यान राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का कानपुर आगमन हुआ है। कानपुर के चिड़ियाघर में सबसे पहले उन्होंने वृक्षारोपण किया और चिड़ियाघर का निरीक्षण कर अधिकारियों संग बैठक भी ली। बैठक में विकास और विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। पिछले 60 सालों में सबसे अधिक पेड़ों का कटान हुआ है। पिछले साल लगभग 30 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि फॉरेस्ट की जितनी भी जगह है ग्राम समाज की जगहों पर पेड़ लगाए, सड़कों के किनारे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ लगाए जाए। हमने कोरोना काल में किस तरह से पेड़ों की कमी की वजह से ऑक्सीजन की कमी देखी है, लोगों को तड़पते हुए देखा है। हम खाने और पीने के बिना एक दिन जीवित रह सकते हैं, मगर ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। उस वक्त अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे 3 दिन तक बैठ जाता था तो उसको किसी तरह की दवा की जरूरत नहीं होती थी और वह पूरी तरह से ठीक हो जाता था। मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि हाल ही में कई नए बाड़े का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो अक्टूबर माह तक बंद कर तैयार हो जाएगा। इसके बाद अस्पताल के बाहर से निकाल के सभी जानवरों को नए बाड़े में शिफ्ट कर दर्शकों के बीच में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज और निरीक्षण है, क्या है इसका उद्देश्य? आज हम आए हैं वृक्षारोपण, हमारे उत्तर प्रदेश का 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। पिछले 60 सालों में पेड़ों का कटान बहुत हुआ और पेड़ उठने लगे। अब जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है पेड़ खूब लगाओ। पिछले साल भी 30 करोड़ पेड़ लगाए गए, इस बार 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। उसके लिए अभी से तैयारी होगी कहाँ पर लगाए जाएंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं जितनी भी जगहें फॉरेस्ट की है उसमें जहाँ पेड़ लग सकते हैं वहाँ पेड़ लगाएं, सड़क के किनारे जहाँ पेड़ लग सकते हैं वहाँ लगाएं, ग्राम सभाओं की जो ज़मीन खाली है वहाँ पे पेड़ लगाएं, गंगा के किनारे पेड़ लगाएं। किसानों से कहें कि भी अपने खेत की बाउंड्री में पेड़ लगाओ, अगर पेड़ लगाओगे तो 8 साल 10 साल बाद पेड़ बड़ा हो जाएगा और पेड़ से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनके लगाने से खेती पे कोई असर नहीं पड़ता, इस तरह से उनकी खेती भी होती रहेगी और 8 साल 7 साल 5 साल बाद जब वो पेड़ इस काबिल हो जाएगा कि बेचा जा सके तो वो पेड़ बिक जाएगा और उससे उनकी अलग से आमदनी। जो पेड़ लगाए जाते हैं वो बहुत से पेड़ टिक नहीं पाते या नष्ट हो जाते हैं, इसके लिए कुछ सरकार देखिए जहाँ पे पेड़ पिछली बार लगे और नष्ट हो गए हैं वहाँ पर दोबारा पेड़ लगवाएं, और हम कोशिश कर रहे हैं इस बार बड़े पेड़ लगवाएं ताकि उनके नष्ट होने की उम्मीद कम हो। विभाग में बहुत से भ्रष्टाचार के मामले प्रायः आते रहते हैं, यहाँ भी कानपुर चिड़ियाघर और तमाम वो जो मामले हैं हमें लिख के दीजिए, हम उनकी जांच करवाएंगे। ये यहाँ पर पुराना एक 200 वर्ष पुराना एक बरगद का पेड़ है जो वन विभाग वहाँ क्या पीडब्ल्यूडी की सड़क जा रही है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि वो अगर वन विभाग की जमीन होती तो मैं वहाँ पौधे लगाता, वो वैसे मेरी जमीन है तो वहाँ पौधे नहीं लगा। ऐसा नियम एक कुछ बनाया जाए कि अगर पौधा काटा जाए तो उसके बदले पौधे तो लगाए जाएं। आपकी बात बिल्कुल सही है, जहाँ पौधा काटा जाए एक पेड़ काटा जाए कम से कम 10 पेड़ लगाए जाएं, और उसकी जिम्मेदारी होगी कम से कम 3 साल या 4 साल तक पेड़ की देखभाल की जाए, पेड़ की परवरिश की जाए, पेड़ को पानी दिया जाए, क्योंकि पेड़ किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी पूरे हर इंसान के लिए पेड़ ज़रूरी है। हम खाने के बिना रह सकते हैं 2-4 दिन तक, पानी के बिना रह सकते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, कुछ समय से ज़्यादा कुछ क्षणों से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन और ऑक्सीजन हमको पेड़ों से ही मिलती है। पेड़ बनाना चाहिए, मालूम है कोरोना के काल में ऑक्सीजन की अहमियत लोगों ने समझ ली। बहुत से वो लोग जिन्हें ऑक्सीजन मिल पाई या कुछ ऐसे भी जिन्हें कम मिल पाए पीपल के पेड़ के नीचे जाके लेट रहे 3 दिन तक, वो सही हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले वित्तीय वर्ष में 35 लाख पौधे लगाए गए, जिसमें से आज भी लगभग 50-60% पौधे सारे सूख गए। इसका जिम्मेदार कौन है?
देखिए ऐसा है जो उनको हम दोबारा लगवाएंगे और सैटेलाइट से इस बात का जांच कराएंगे कि कितने पेड़ वापस था। इसराइल से जो जबरा का जोड़ा लंबे समय से अभी तक उसकी कानपुर में आने की तारीख भी निश्चित नहीं है, कोई ऐसा मोहर भी नहीं बन पाया कि उसको आने की। हम उस बात को मालूम करेंगे कि वो जेबरा लखनऊ के लिए आया या कानपुर। तीन जोड़े आए हैं, एक जोड़ा कानपुर के लिए, वो नवंबर में आ गया था लखनऊ, अभी तक हाल फिलहाल यहाँ तक नहीं लाया है। जीवो में 5 बजे हम मालूम करेंगे। अगर अभी तक निरीक्षण में क्या पाया आपने? यहाँ पे जो भी जानवर लगे हैं उनके पूजन लगे हैं, उन्हें पानी नहीं है। बहुत अच्छी जगह लेकिन यहाँ पे अभी और इम्प्रूवमेंट होना है, पानी की व्यवस्था बेहतर करनी है, सफाई और ज्यादा है। और इस समय बहुत से जानवर जो हैं गर्मी की वजह से अंदर चले गए हैं और हम कोशिश यही करेंगे यहाँ पर वृक्षारोपण और हो ताकि पेड़ों से ठंडक मिले, जानवरों को ठंडक भी मिलेगी और नमी भी। कुछ बाल की कमी भी है, कुछ जानवर ऐसे हैं जो अस्पतालों में रखे जा रहे हैं, दर्शक नहीं देख पा रहे हैं, तो उसमें किस तरह के जानवर बीमार है जो अस्पतालों में रखना जरूरी नहीं? ठीक है, जैसे कई टाइगर है और भी कई ऐसे जानवर है जो अस्पतालों में रखे गए बाड़े न होने के कारण बन रहे हैं कुछ। अगर बाड़े कहीं पे कम है हम मालूम करेंगे, बाड़े बनवा देंगे। यहाँ के अस्पताल में संसाधनों की कमी है।